पश्चिम बंगाल के बोलपुर में आज ममता बनर्जी रोड शो करेंगी। बताया जा रहा है कि इस रोड शो के जरिए ममता बीजेपी को जवाब देने वाली है। बंगाल दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बोलपुर में जिस जगह पर रोड शो किया था, अब उसके जवाब में आज ममता बनर्जी भी उसी जगह पर रोड शो करने जा रही हैं। ममता बनर्जी के रोड शो को सफल बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। रोड शो के जरिए ममता अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी। रोड शो दोपहर 2 बजे शुरू होगा। रोड शो से पहले ममता बनर्जी एक रैली को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी रैली को सुबह 11 बजे संबोधित करेंगी। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और ममता बनर्जी ने 7 जनवरी को होने वाली अपनी नंदीग्राम रैली को रद्द कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी ये कह रही है कि ममता को तो अभी बहुत सारे कार्यक्रम रद्द करने पड़ेंगे। नंदीग्राम में 7 जनवरी को टीएमसी की रैली होनी थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। टीएमसी की ओर से दावा किया जा रहा है कि पार्टी विधायक अखिल गिरी बीमार हैं, इसी वजह से ममता बनर्जी की रैली रद्द कर दी गई, जबकि बीजेपी इसी बात को लेकर लगातार टीएमसी पर हमलावर हो रही है। बीजेपी का कहना है कि रैली में ममता बनर्जी को लोगों की कमी की आशंका पहले से थी। ममता बनर्जी को अभी बहुत से कार्यक्रम रद्द करने पड़ेंगे। ममता की इस रैली पर बीजेपी की नजरें थी, क्योंकि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी इसी जिले से आते हैं। खबर है कि बीजेपी भी 8 जनवरी को नंदीग्राम में रैली करने जा रही है। शिवसेना नेता संजय राउत अब नई परेशानी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज पीएमसी बैंक मामले में ईडी ने संजय राउत की पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत आज ईडी के सामने पेश होंगी। वर्षा को पूछताछ के लिए धन शोधन रोकथाम कानून के प्रावधान के तहत ईडी ने समन जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी वर्षा राउत से उस राशि की रसीद के बारे में पूछताछ करेगी, जिसका कथित तौर पर बैंक से गबन किया गया था। ईडी की यह कार्रवाई पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड मामले में है। ईडी पहले भी वर्षा राउत को पेश होने के आदेश दे चुकी है। वर्षा राउत को 11 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होने को कहा गया था। इस पूरे मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि मेरे खिलाफ राजनीति हो रही है और ईडी ने 10 साल पुराने केस खोल दिए हैं। और पीएम मोदी आज ईडीएफसी ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी रेलवे के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक हिस्से का आज उद्घाटन करेंगे। इस दौरान आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ और पीयूष गोयल भी उपस्थित रहेंगे। यह सेक्शन मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़भाड़ कम कर देगा। भारतीय रेलवे को तेज ट्रेनें चलाने के लायक बनाएगा। इसकी लंबाई न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा तक 351 किलोमीटर है। 5,750 करोड़ की लागत से इस सेक्शन को तैयार किया गया है। पीएम प्रयागराज में बने कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि मालगाड़ियों का बोझ खत्म होने से पैसेंजर को इस रूट पर ट्रेनों की लेट लतीफी से छुटकारा मिल जाएगा। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।